आप भी झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड पुलिस में जो फिजिकल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 किलोमीटर। इस 10 किलोमीटर का तैयारी कैसे करें तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको बताया होगा कि 10 किलोमीटर का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए और ये करना चाहिए। इतना बड़ा कंफ्यूजन आपके माइंड में डाल दिया होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो झारखंड पुलिस का जो 10 किलोमीटर है ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि 10 किलोमीटर आपको लगाना है 1 घंटे में। मैं कहना चाहूंगा अगर आप दिल और जान और जज्बा के साथ अगर मेहनत करते हो तो इस 10 किलोमीटर का तैयारी मात्र 15 से 20 दिनों में कर सकते हो। तो क्या करना है, क्या टिप्स फॉलो करना है, तो आज मैं भैया इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्या टिप्स फॉलो करना है। कुछ टिप्स इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो आपके लिए ही बना है, तो चलिए सारी टिप्स को देखते हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को क्या करना है समझ ही गए होंगे। साथ ही साथ कहना चाहूंगा अगर आप झारखंड पुलिस या फिर कोई भी डिफेंस लाइन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस नंबर पर कॉल करना है, जिसकी फी आपको लगेंगे मात्र 1 महीना का 499 रुपया। तो ये 10 किलोमीटर का तैयारी करने के लिए आपको जो टिप्स नंबर 1 फॉलो करना है वो करना है कि सबसे पहले आपको मार्केट जाना या ऑनलाइन में जाना है और वहां पे आपको जाके एक जूता खरीदना है। क्योंकि 10 किलोमीटर का जो भी लड़के तैयारी करते हैं वो करते हैं रोड पे, और खाली पर जब आप रोड पे तैयारी करने लगते हैं तो उसके कारण से हो जाता है, जूता नहीं पहनने के कारण से होता है सीन पेन, नी पेन, और इससे क्या होता है कि आप रनिंग करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जूता का सिलेक्शन करना और जूता खरीदना है। सबसे पहले छोड़ो भाड़ में जाए सब चीज की कितना मीटर दौड़ना है क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले जाके एक जूता खरीदो। जूता कौन कौन सा खरीद सकता है यूट्यूब पे वीडियो बनाई, डिटेल में जाके चेक करना, लो बजट से लेकर हाई बजट तक बताया हुए हैं, गरीब से लेकर अमीर बच्चा उस जूता को जाके खरीद सकता है। तो मैं नॉर्मली आप सभी को बता दूं कौन कौन सा जूता आप खरीद सकते हैं। नंबर 1 आप सेगा ले सकते हैं, नंबर 2 कैंपस ले सकते हैं, नंबर 3 स्पार्क ले सकते हैं, नंबर 4 कलेंजी ले सकते हैं, और नंबर 5 नाइकी, नंबर 6 एडिडास, फिर उसके बाद बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारा जूता है, जाके कोई भी जूता खरीद लो। नंबर 2 डाइट प्लान। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को रनिंग करना या वर्कआउट करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को डाइट में अच्छा खाना लेना। एक वीडियो बना यूट्यूब पे उसको देख लेना। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक नॉर्मली चीज बता देता हूँ कि वर्कआउट से पहले आप केला ले सकते हैं या फिर पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड या रोटी होता है उसको लेकर आप चले जाइए ग्राउंड। ग्राउंड के बीच में आप इलेक्ट्रोल ग्लूकोज या फिर नॉर्मली पानी का सेवन कर सकते हैं, और अभी ठंड का दिन है तो आप ऐसे थोड़ा गुनगुना पानी लेके जाइए और उसे बीच बीच में पीजिए। और वर्कआउट करके जब आप घर आते हैं उस समय चना हो गया, मूंग हो गया, जितना भी बादाम वगैरह हो गया, जितना ड्राई फ्रूट्स है सभी को ले लीजिए, और एक ढेला जो गुड़ होता है हमारा, गुड़ जिसे हम बोलते हैं, उसे खा लीजिए, ठीक है। और भी डाइट में आप बहुत सारा चीज ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे आप सभी के लिए टिप्स नंबर 3 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है वो है वर्कआउट। अब यहाँ पे मेन बात आता है कि भैया ये 10 किलोमीटर का जो वर्कआउट हमें करना चाहिए ये हम कैसे करें। आप ही ने बोला था ये वीडियो आप सभी के लिए नॉर्मल होगा, तो बिल्कुल हाँ, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि 10 किलोमीटर का जो तैयारी करना है इसके लिए आपको मात्र 1 वर्कआउट फॉलो करना है, क्योंकि ये फिजिकल सिर्फ आपका एक तरह से फिटनेस टेस्ट के लिए लिया जा रहा है। जो मेन आपका होगा वो होगा एग्जाम। तो ये 10 किलोमीटर का तैयारी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 90% बच्चे दौड़ नहीं रहे होंगे, फिटनेस उनका बिल्कुल जीरो होगा, उनसे रनिंग नहीं किया जा रहा होगा। आपको क्या करना है, ग्राउंड जाना है डेली। सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है, अच्छे तरह से स्ट्रेचिंग कीजिए, वीडियो बनाए वर्कआउट से पहले कैसे स्ट्रेचिंग करना है वो कीजिए। और ठंड का मौसम है तो आपको ऊपर से नीचे बॉडी को ढक के रखना है, नहीं ढक के रखोगे ठंड मारेगा, सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, नी पेन होगा, सीन पेन होगा। स्लो स्लो रनिंग स्टार्ट करना है, फर्स्ट दिन जाइए टारगेट बनाइए कि आज हमको 10 मिनट दौड़ना है। 10 मिनट कैसे दौड़िएगा, आपका 5 मिनट में सांस फूल जाता है, तो किस टेक्निक को इस्तेमाल करना है ध्यान से सुनिएगा। 5 मिनट दौड़े, सांस फूल गया, उसके बाद स्लो स्लो हम लोग फिर क्या करने लगे, स्लो स्लो हम लोग फिर इस तरह टहलने लगे, फिर हमारा बॉडी रिकवर हो गया, फिर हम इस तरह रनिंग करने लगे, फिर बॉडी रिकवर करने लगे। कुछ इस तरह से आपको रनिंग करना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दिन हम लोग इस तरह से 10 मिनट रनिंग किए, नहीं हुआ 5 मिनट ही किए। दूसरा दिन टारगेट बनाए कि 12 मिनट करेंगे, तीसरा दिन टारगेट बनाए 15 मिनट करेंगे, इसी तरह रनिंग जॉगिंग। अगला दिन टारगेट बनाए कि हमको आधा घंटा करना है, 1 सप्ताह के अंदर आप आधा घंटा रनिंग इस तरह से कर लोगे। इस तरह से आपको 2 सप्ताह वर्कआउट को फॉलो करना है, रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, रनिंग करना है, जॉगिंग करना है। थोड़ा दिन के बाद रिजल्ट देखिएगा कि आप 20 मिनट रनिंग करने लगेगा, उसके बाद 20 मिनट के बाद बॉडी थकेगा। इसी तरह के 3 सप्ताह 4 सप्ताह के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप 10 किलोमीटर रनिंग कर लीजिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है आप सभी के लिए, ठीक है। अपने बॉडी को पुश करना है, पुश कीजिए कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। रुकेगा आपका बॉडी, थकेगा बॉडी आपका, लेकिन आपको उठना है, चलना है, उठना है, चलना है, दौड़ना है, तब जाके आप 10 किलोमीटर आसानी से कर सकते हो। और जैसे आप वर्कआउट डेली करते हो, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जैसे आप वर्कआउट डेली करते हो उसके बाद
स्ट्रेचिंग अच्छे तरह से बैठ के जरूर करें, क्या जरूर करें। इस वर्कआउट को आप कम से कम एक महीना फॉलो कीजिए, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों का रेस क्लियर होगा। 10 किलोमीटर जो एक घंटे में है, वो आसानी से आप एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, एक महीने के अंदर में कर सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो, लड़कियां भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, और जिनका एज ज़्यादा हो गया है, जिनको लग रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ, वो भी कर सकता है। जो लास्ट टिप्स आप सभी के लिए है कि वो रेस्ट आपको कम से कम 7 से 8 घंटा लेना ही लेना है, ठीक है। वर्कआउट एक टाइम करोगे हो जाएगा, दोनों टाइम करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अगर झारखंड पुलिस का जॉब लेना है या कोई भी 10 किलोमीटर का तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे फोकस करो फिजिकल के साथ साथ, ठीक है। तो कैसा लगा टिप्स कमेंट्स करके बताइए, और साथ ही साथ जो बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करें, वहाँ पर आपको पर्सनल वर्कआउट, डाइट प्लान सब कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय और जय श्री राम।